हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अरबी के पत्तों की मसाले वाली सब्जी। इसे कहीं पर कोचई के पत्ते भी कहा जाता है, कहीं आलू के पत्ते कहा जाता है, तो कहीं इसे धोबे पान के पत्ते भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो सबसे पहले आड़ू की वड़ी या धोपे पान की वड़ी, आप जो भी कहते हैं, उसके अंदर की फिलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए आप एक बाउल में डाल दीजिए आधा कटोरी बेसन, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ताकि इसमें अच्छा इसका पीला कलर आए, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप यहाँ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए एक चम्मच तेल ताकि जो वड़ी है वो अच्छे से अंदर से कुरकुरी बने, उसे अंदर से भी गर्माहट मिले। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पहले हम वड़ी बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए आधा नींबू का रस। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच अमचूर पाउडर ताकि जो वड़ी है ये बहुत ही अच्छा चटपटा तो बने ही बने, साथ ही साथ इसमें अगर कोई पत्ता बाई चांस खुजली वाला हो भी तो भी उसकी कोई गुंजाइश ना हो। तो बेसन को पानी के साथ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और आप इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना बनाएं। तो मैंने 5 से 6 आड़ू की वड़ी ले ली है, तो उसमें जो सबसे बड़ा पत्ता है उसे अच्छे से पानी से धो लिया है। और उसके बाद आप इसे किचन के प्लेटफॉर्म या कोई बड़ी सी थाली में अच्छे से रखिए और पत्तों के उल्टे साइड से आप ये बेसन लगाइए। याद रखिएगा कि आपको इसे पत्तों के उल्टे साइड लगाना है और आप अच्छे से इसे फैला लें ताकि जो बड़ी है उसमें बेसन का फ्लेवर सारी तरफ से आए। और उसके बाद उस पत्ते से छोटा जो पत्ता है आप वो पत्ता डालिए। तो सेम प्रोसीजर आपको सारे पत्तों के साथ करना है। तो यहाँ पर आप पत्ता डालकर इसे पहले अच्छे से सेट करें और उसके बाद फिर से आप इसके ऊपर बेसन का ये जो घोल हमने तैयार किया है वो डाल लें। तो यहाँ तो आप बहुत सारे पत्ते यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आप 5 से 6 पत्ता ही यूज़ करिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा आप मत बनाइएगा, नहीं तो वड़ी को फ्राई करने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 पत्ता ही यूज़ किया है। तो आप पहले बड़ा और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा पत्ता इसमें लगाइए और इस तरीके से इसका आपको लेयर बनाना है। तो सारे पत्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इसे ऊपर की साइड से कुछ इस तरीके से फोल्ड करिए। तो देखिए जो पत्ते का जो ऊपरी हिस्सा है वो सामने की तरफ आया है, इसी वजह से जो बेसन है वो मैंने अंदर की साइड से लगाया था। तो आप इसे अच्छे से लपेट लें और उसके बाद जो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ है आप उसको इन पत्तों में ऊपर की साइड से भी कुछ इस तरीके से लगा लें। और ये पत्तों को हमें अच्छे से भाप में पकाना है। तो आप कोई भी स्टीमर लें या मेरे पास इस तरीके का एक कंटेनर है, उसमें मैंने पहले से तेल लगा कर उसे ग्रीस कर लिया है और उसके बाद मैंने ये जो पत्ते हैं इसका रोल इस पे रख दिया है और इसके ऊपर से आप इसमें बेसन लगा दें ताकि ये जो पत्ते हैं वो अच्छे से बेसन से कवर हो जाए। और इसे आपको स्टीम में मीडियम फ्लेम में करीबन 20 मिनट तक पकाना है। तो मीडियम फ्लेम में इसे 20 से 25 मिनट भाप में पकाने के बाद आप इसमें चाकू या टूथपिक डालकर देखिए। अगर उसमें गीला बेसन नहीं लग रहा है इसका मतलब जो बेसन है वो अच्छे से पक चुका है। तो आप ये रोल जो है इसे कंटेनर से अलग करें और इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दें। तो आपको इसको कंप्लीट ठंडा नहीं करना है, 5 से 10 मिनट इसे ठंडा करने के बाद आप इसे कट कर लें और ये देखिए वड़ियाँ कितने आसानी से कट जा रही हैं। आप इसे ऐसे भी डीप फ्राई करके खा सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है खाने में। तो पैन को रखें आप मीडियम फ्लेम में और उसमें आप डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच तेल। तो ये जो वड़ी है इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो सारी वड़ियों को आप एक एक करके गर्म तेल में डाल दें। तो वड़ी को हमें दोनों साइड से कुरकुरा अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आपको सारी रेसिपी इसी टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलते रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक तरफ से फ्राई होने के बाद आप वड़ियों को पलट लें और दूसरी तरफ से भी इसे हल्का ब्राउन फ्राई कर लें कुछ इस तरीके से। और ये देखिए वड़ियां जो है वो अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुकी है।
तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं, इसमें इसका अच्छा कलर आ चुका है। तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और चलिए करते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया है, तो इसे रफली चॉप करके आप इसका बना लें एक स्मूथ पेस्ट। फिर जिसमें हमने वड़िया तली थी उसी पैन में आप डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच तेल। गैस को आप मीडियम ही रखिएगा और तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा जब चटकने लग जाए तब आप उसमें डाल दीजिए 8 से 10 मेथी के दाने। तो मेथी के दाने अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल डालना मत भूलिएगा। तो जीरा और मेथी के दाने को हम थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 से 2 खड़ी लाल मिर्च। अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और करी में कलर तो बहुत अच्छा आना ही चाहिए, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और मिर्च को जलने से बचाने के लिए आप उसमें तुरंत डाल दीजिए पिसा हुआ प्याज। तो देखिए मिर्ची जो है वो बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो करी में उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और उसका कलर भी नहीं, इसलिए आप पहले ही प्याज पीस के रखिएगा। और यहाँ मैंने ले लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने मिक्सर में फाइन पेस्ट बना लिया है। तो प्याज का जब पूरा पानी सूख जाए आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हमें मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। और जब तक प्याज लहसुन अच्छे से पक रहे हैं तब तक हम ले लेते हैं 3 मीडियम आकार के टमाटर, और इसका भी आप मिक्सर में एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लें। तो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, उसमें आप डाल दीजिए पिसा हुआ टमाटर। और टमाटर डालने के बाद हमें इसे भी बहुत अच्छे से पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो टमाटर जल्दी पकने के लिए आप उसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ग्रेवी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आए, और इसे आप मीडियम फ्लेम में ही जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे तब तक आप पका लें। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद ही ये जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है, उससे तेल भी अलग हो रहा है। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 ग्लास गर्म पानी। आप चाहे तो यहाँ पर सादा पानी भी डाल सकते हैं, पर अगर आप ग्रेवी बना रहे हो और उसमें गर्म पानी डालें तो ये जो मसाला है वो इमीडिएटली ठंडा नहीं होता है, तो इस वजह से ही जो ग्रेवी है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप गर्म पानी डालें। तो ग्रेवी में आपको उबाल लाना है, तो जैसे ही ये उबलने लगे आप उसमें सारे तली हुई वड़ियाँ डाल दें। याद रखिएगा कि आप ठंडे ग्रेवी में इसे बिल्कुल ना डालें, जब ये उबलने लगे तभी आप सारे वड़ियाँ इसमें डालें। अगर आपको ग्रेवी बहुत पतली चाहिए तो आप यहाँ 1.5 से 2 ग्लास पानी भी डाल सकते हैं। तो वड़ियों को आप अच्छे से इसमें डूबने दें। तो मीडियम फ्लेम में 5 से 10 मिनट उबालने के बाद ये ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसमें ऊपर तेल भी अलग हो चुका है। तब आप इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और रुकिए रुकिए, सब्जी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसे आप बारीक कटे हुए हरे धनिये से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। और हो गई हमारी सब्जी तैयार। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा।